एक्सट्रीम बर्फ वाला रास्ता अब शुरू हुआ है। यहाँ पे एक और बोर्ड है, कुटला इन कैंप्स तोश। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू कुटला। हम लोग ऊपर चढ़ के आ चुके हैं पार्किंग तक और ये हमारी गाड़ियों का हाल है। अभी तो बहुत कम है यहाँ पे बर्फ, लेकिन जब परसों बर्फ पड़ी थी तो सोचो क्या हाल हुआ होगा, गाड़ी का पूरी बर्फ से ढकी हुई होगी और कितनी सुंदर लग रही होगी। और ये यहाँ पे हाल है, बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस हो रही है। पता नहीं, हम लोग ऐसे यहाँ से नीचे उतार के जानी है गाड़ी यहाँ से, अब देखो कैसे उतरती है क्या होता है, बट अभी तो लगी पड़ी है वाट। विशाल निकाल लोगे गाड़ी? डर लग रहा है? ऑब्वियसली लग रहा है भाई। हितेश तुझे लग रहा है डर? लग रहा है? मेशी को नहीं लग रहा, बस क्योंकि इसको सिर्फ पीछे बैठ के जाना है। क्यों मेशी? कुछ होगा तो मेशी भी तो साथ ही जाएगा। मैं तो पैदल आ रहा हूँ। तुम तो ये डिसाइड किया कि हम लोग गाड़ी में बैठ के ही जाएंगे ताकि गाड़ी पे वेट पड़े और आराम से नीचे उतर पाएं, क्योंकि अगर गाड़ी हल्की होगी तो शायद वो स्किट मार सकती है। और हमें देखो यहाँ पे क्या दिखा जी, यहाँ पे खेल रहा था ये। हेलो 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 डॉगू डॉगू, हाउ आर यू? विशाल ट्राई कर रहा है कि गाड़ी यहाँ से निकल जाए। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना विशाल? थोड़ा है, ज़्यादा है? आप गाड़ी चला रहे हो, आपको ज़्यादा पता है। लेकिन स्ट्रगल ये है कि यार पहले गियर पे रखनी है और ब्रेक नहीं मारनी और नीचे उतारनी है, अब ब्रेक कैसे नहीं लगेगी ये बताओ। और सारी ब्लैक आईज हो रखी है। पत्थर है यहाँ से भी, बहुत मुश्किल से हितेश की गाड़ी निकली है। कोई नहीं, आराम से ड्राइवर मत हो। इसको और आगे लेके दियो, आगे लेके दियो, नहीं तो होगा बहुत ऊपर है। पीछे कर लूं? रुक जा, आगे है अभी। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज काजल, दिस इज विशाल। सो आज हम लोग कसौल में हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं मणिकरण साहिब के लिए। हम लोग की ये प्रॉपर्टी है जहाँ हम लोग रुके हैं। कल आए थे हम लोग यहाँ पे, आई थिंक शाम के टाइम पे यहाँ पहुँच गए थे यहाँ पे। तो हम लोग कल थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करके आए, बट बहुत थके हुए थे, कल व्लॉग नहीं कर पाए। आज हम आपको सारी मार्केट दिखाएंगे जहाँ से हमने पहाड़ी लोअर और पहाड़ी जैकेट ली है, वो भी दिखाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं मणिकरण साहिब के लिए, प्लस हम आपको रास्ता दिखाते हैं। इतना बढ़िया रास्ता है यहाँ से हमारे, जो ऊपर जो हमारा होटल का रास्ता है, तो ये हमारा रास्ता है नीचे उतरने का यहाँ से, बहुत सुंदर सा। और ये जा रहा है विशाल। इतनी तेज तेज कहाँ चलते हुए जा रहे हो? और वो जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको ऐसे सामने, ये वही तोश वाले पहाड़ है जहाँ से हम लोग आ चुके हैं। बट थैंकफुली यहाँ पे ना थोड़ा खाई वाई नहीं है रास्ते में, बट हाँ पानी वानी गिरा हुआ है। वहाँ पीछे हमारा होम से था, इधर से सीढ़ियाँ जा रही हैं भोज बोर्ड के पीछे, और ये पूरी मार्केट एरिया स्टार्ट हो चुका है कसौल का। आपको अलग अलग शॉप्स दिखेंगे इधर, शॉप्स एज एन ये होटल है, और ये आपको ये लोअर और ये वाली सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो चुकी हैं। अलग अलग कैफेज मिलेंगे, मोमोज वगैरह ये सब खाने को मिलेगा। सो दिस इज़ द मेन ब्रिज ऑफ कसौल, और बहुत फेमस भी है ये ब्रिज। ये शंभू मोमोज ये भी काफ़ी फेमस है, हमने भी कल इसके मोमोज खाए थे, काफ़ी टेस्टी थे। और इस ब्रिज, हाँ पीनट वाली चटनी, हाँ इधर का क्या है कि कंसेप्ट कि चिली सॉस मेयोनीज और साथ में एक पीनट चटनी देते हैं। और ये ब्रिज के नीचे नदी,
असली शॉप्स यहाँ से शुरू होती है मार्केट की, बहुत बड़ी मार्केट है। और ये शॉप है जहाँ से हमने लोअर और अपनी जैकेट्स बनवाई हैं। पूछते हैं अभी क्या अपडेट है। ये शॉप पूरा होलसेल, मतलब होलसेलर है ये, जिसकी भी शॉप है भैया की, ठीक है, सब कुछ होलसेल रेट पे मिलता है इधर, और काफ़ी ठीक है, रीजनेबल रेट है हर चीज़ का, अपने को काफ़ी सस्ता पड़ा, जबकि ओल्ड मनाली मुझे यही चीज़ें बहुत महंगी मिली थी और इससे भी गंदा स्टफ महंगा मिला था। हमारे होटल का नाम है कसोल व्यू, नियर टू सोनी कॉटेज, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम लोगों ने जो पूछा था वो है कि मणिकरण यहाँ से है टोटल 3.5 से 3 किलोमीटर, जो कि हम पैदल करने वाले हैं, कर रहे हैं मतलब, ठीक है, क्योंकि गाड़ी लेकर आते तो गाड़ी फंस जाती जाम में, फंस जाती, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आते जाते भी हमारी गाड़ी फंसी है कम से कम आधा पौना घंटा मणिकरण साहब के पास में, तो पैदल चलना ज़्यादा बेटर है। पर हाँ, बस भी यहाँ से, बस भी लोकल बस भी है जो तुम्हें वहाँ तक ले जाएगी, टिकट बहुत सस्ती है, बट वही है सारा सीन है ट्रैफिक का, और ठंड कसोल में भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। रात को माइनस में था और रात को माइनस में था, पानी जमा हुआ था, सुबह आ नहीं रहा था पानी। हाँ, पानी जम जाता है यहाँ पे, -6 डिग्री था रात को, अभी पैदल चल रहे हैं तो काफ़ी सही है। वहाँ पे चलते हैं मणिकरण, चलते हैं मणिकरण दिखाते हैं फटाफट। हमारे इधर पीछे साइड में नदी भी जा रही है, आई होप आपको दिख रहा होगा। स्टिल 2 किलोमीटर्स मोर, 1 किलोमीटर पैदल आ चुके हम लोग, ठीक है। और मेरे साइड में जितनी सुंदर रिवर है उतना ही गंदा कूड़ा भी फैला हुआ है। अनदर पार्ट ऑफ माउंटेन कि जहाँ फुटफॉल ज़्यादा होती है लोगों की, वहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। बाकी साइड में नदी, ऐसी सड़क चलने के लिए, राइट साइड पे जंगल, और क्या चाहिए। जब आप ऐसे यहाँ से कसोल मार्केट से और आगे मणिकरण तक पैदल जाते हो तो आपको ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बीच में मिल जाएंगे जहाँ से आप पानी, मैगी और भजिया, ब्रेड पकौड़े, सिड्डू, ये सब आपको खाने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ कैरी करने की ज़रूरत है नहीं साथ में, रोड साइड आपको कई सारी ऐसे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और बाकी मणिकरण जाके लंगर तो है ही है। वी हैव रीच मणिकरण, मेरे लेफ्ट साइड पर ही है मणिकरण, और प्लीज़ इग्नोर दैट बैकग्राउंड नॉइज़, ट्रैफिक आज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वी डिसाइडेड टू कम बाय फुट, तो इस जाम से बच जाते हैं बस, और अपनी तरफ से थोड़ा पोल्यूशन भी कंट्रोल कर रहे हैं। वो है मणिकरण, सो मेन रोड से ही लेफ्ट साइड को रास्ता जाता है स्टेयर्स के थ्रू, लेट मी शो यू, ये रास्ता है, ये रास्ता सीधा मणिकरण के लिए जाता है। अगर आपको अपनी कार्स पार्क करनी है तो सामने है, ये पूरा पार्किंग बना हुआ है, उसका रास्ता पल्ली साइड से है। मयंक है, गुरुद्वारे की एंट्री, और यहाँ पर गर्म पानी आता है, यहाँ पे पीछे जो आपकी मंदिर है वहाँ गर्म पानी आ रहा है, वो एक मंदिर है जो हम लोग अभी पीछे से जाते हैं इस रास्ते के लिए, जो शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है। मणिकरण साहिब में ही ये जो दिखा दे गर्म पानी का स्रोत है, जिसमें जैसे हम नहाते हैं तो हमारी जो स्किन डिसीज होती है वो सब निकल जाती है, ऐसा बोलते हैं कि ठीक हो जाता है। We'll be right back.
मणिकरण से निकले हुए हमें लगभग 15 मिनट हो गए शायद, और अराउंड आधे किलोमीटर उससे थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर लिया होगा। अब हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं छलाल की तरफ, जो कि कसोल से ही रास्ता कटता है। तो ये रास्ता आपने देखा हुआ है, जहाँ से छलाल की स्टार्टिंग होगी वहाँ से फिर मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। दिस इज द मेन चौक, और यहाँ से लेफ्ट आप लोग है ना, इधर आंटी बैठी चाय वाली, यहाँ से डायरेक्ट जो रास्ता जाता है वो है छलाल ट्रैक के लिए। छलाल ट्रैक तक जाने के लिए ब्रिज बना रखा है लोहे का। नीचे बहरी नदी, मस्त व्यू है, व्यू बहुत सही है यार रिवर का। ऐसा दिल करता छलांग लगा दूँ एकदम, इतना प्यारा, इतना साफ और सुंदर सा पानी लग रहा है। बाकी छलाल ट्रैक का रास्ता ऐसा है, सिंपल है, टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सही है। और ऐसा भी बता रहे हैं कि ऊपर कुछ पार्टी वगैरह हो रही है, बट पार्टी तो अपन करेंगे नहीं, बिकॉज लेट भी हो चुके हैं हम, 4:30 टाइम हो रहा है शाम का, और वापसी भी आना है, अंधेरा हो जाएगा इस रास्ते पे, तो थोड़ा सा मे बी टफ हो सकता है। लेट्स सी, दिखाते हैं बाकी। ट्रैक का रास्ता टोटल आधे घंटे का, 15 मिनट हम लोग आ चुके हैं, 15 मिनट और बचे हैं, और रास्ता ऐसा है पत्थरों वाला। बाकी व्यू अच्छा है, अपने को मुर्गे भी दिख गया, सुंदर सुंदर। इतना बड़ा है खरोड़ी मुर्गा, इतना बड़ा, इतने ही होते हैं, इतना मोटा तो आज तक नहीं देखा मैंने कभी। व्यू देखो यार, व्यू भाई हर एक जगह पे व्यू है, और बहुत सुंदर व्यू है। क्या क्या दिखाएं, नदी मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग भी नदी के साथ साथ मुड़ते हैं ना, व्यू अलग हो जाता है और व्यू और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ नदी, पहाड़ देखो यार, बहुत ही सुंदर। तो हम लोग छलाल पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग रिवर साइड बैठे जा रहे हैं नीचे बैठने के लिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ बैठ के क्या खाएंगे। विशाल को तो एज यूजुअल मोमोज खाने का मन करता है, तो आप लोग अब तक व्यू एंजॉय करिए। वहाँ विशाल खड़ा है पत्थरों के बीचों बीच, आपको तो बड़ा मन कर रहा होगा ना नहाने का यहाँ पे, है ना हितेश, अमीशा, मयंक। व्यू देखो, हम लोग यहाँ पानी के बीच में, दिस इज पार्वती वैली जहाँ हम लोग बैठे हैं छलाल का ट्रैक करके आके, और विशाल बढ़िया व्यू एंजॉय कर रहा है। छलाल में आई गेस जितना हम लोग अभी घूमे हैं, कैफ़ेज़ के अलावा और ये ऐसी क्या बोलते हैं ब्यूटी के अलावा और कुछ नहीं है, राइट। तो बस यार, जो भी विलेज जाओ, हर एक विलेज की अपनी ब्यूटी होती है। तोश की अलग थी, कसोल की अलग है, ऐसी छलाल की अलग है। अभी तक हमें स्नोफॉल देखने को मिला, अच्छे अच्छे पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखने को मिले, नदी थोड़ी सी देखने को मिली थी बट तोश में नहीं थी, कसोल में आकर देखने को मिली। अब छलाल में आके बिल्कुल नदी के साइड में बैठे हैं, है ना। तो वही है कि हर चीज़ की अपनी एक ब्यूटी है, अभी छलाल की एक अलग ब्यूटी है। अगर दिख रहा है तो देखो यार, ये बीच में ना यहाँ पे पानी का कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर आके फिर से पानी का कलर चेंज हो रहा है, और कितनी सूदिंग आवाज़ है, ऐसा लगता है कि बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो सही है यार, हम भी इन्जॉय कर रहे हैं इस व्यू को, आप भी इन्जॉय करो। और ये पीछे सारे जितने भी ये होम स्टेज और कैफेज बने हुए हैं सब। We'll be right back.
को छोड़ा है हम पीछे, अब वापस जा रहे हैं कसोल की तरफ। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि छलाल के बाद हम एकदम घर कैसे आ गए। तो यार ऐसा था कि छलाल से जब हम लोग वापस अपने रूम में गए थे तो हिम्मत हमारे में बिल्कुल नहीं बची थी और अगले दिन सुबह जल्दी निकलना था। हम लोग वैसे कसोल से 8 बजे निकल गए थे और अभी टाइम हो रहा है 10:15, तो हम लोग 10 बजे अपने घर पहुँच गए थे। तो 14 घंटे की लंबी ड्राइव, हालत बहुत बुरी हो गई थी, थक चुके थे। उससे पहले लगातार ट्रैक्स और लगातार चलना, इनफैक्ट जब हम लोग मणिकरण के लिए निकले थे और फिर छलाल गए तो टोटल 10 किलोमीटर उस दिन हम लोग पैदल चले थे। और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा मन कर रहा है बस मैं सो जाऊँ। शक्ल देखो इसकी बेचारी की, पूरी बैटरी डेड है इसकी। और हाँ यार, हम जिस शॉप से हमने लिया था, शॉप तो दिखाई थी बट हमने ये कपड़े लिए थे वहाँ से, ऐसा ही सेम लोअर है और ये ऐसा में ही जैकेट है और ये पट्टी हमने स्पेशल भैया से कह के लगवाई थी। सेम हाँ, दोनों का सेम है, लोअर भी और जैकेट भी। बाकी और हितेश ने कुछ अलग तरीके के लिए, मयंक ने भी ऐसी ही लिया बट उसका कलर ब्राउन है शायद। तो ठीक है यार, इस वीडियो में भी सिर्फ इतना ही था। तो आपको अगर ये कसोल सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके भी बताना कि क्या पार्ट इसमें अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट से। मिलते हैं ऐसी किसी एक और ट्रैवल वीडियोज़ में। बाय बाय।